नमस्कार, अपन निज में स्वागत है। देश के संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल घोषणा कैल गेल 8 वर्ष पहुँचल अवसर में सही दिन गणतंत्र दिवस मनाल जा रहा है। आज संविधान के बाद के पहल गणतंत्र दिवस है। जन आंदोलन 2062-63 के जग में भेल निर्वाचन से गठित संविधान सभा के पहल बैसार से 2063 जेठ 15 गते नेपाल के संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषणा कैल गेल। 238 वर्ष लंबा शाहवंशीय परंपरा राजपरंपरा के अंत्य के घोषणा भेल एहि दिन के हरेक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाल जाते है। गणतंत्र दिवस के अवसर में सैनिक मंसूरी खेल में विशेष समारोह भ रहा है। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी शीतल निवास में स्वागत समारोह एवं जलपान समारोह के आयोजन के लिए है। गणतंत्र घोषणा भ गया के बाद देश में बेसी पैघ राजनीतिक उपलब्धि हो तो चुनौती उतबे रहा राजनीतिक शास्त्री सब बतौने है। अही बीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी गणतंत्र दिवस 2073 के अवसर में राष्ट्रीय एकता के जग में शांत समुन्नत समृद्ध संतुलित आ समावेशी संख्या लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल के विकास में आगू बढ़ सबके प्रेरणा मिले से कामना के लिए। उपराष्ट्रपति नंदबहादुर पुन आपके ध्यान देश के हरेक कात कोना कोना में नागरिक के प्रत्यक्ष अनुभूति कर सक आर्थिक सामाजिक रूप में रूपांतरण सहित के समुन्नत आ समृद्ध नेपाल निर्माण में केन्द्रित हो पड़त बतौलन। एना का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली गणतंत्र दिवस के अवसर में शुभकामना व्यक्त करते संविधान के कार्यान्वयन संगे आप देश आर्थिक सामाजिक विकास के दिशा में आगू बढ़ल बतौलन। अही बीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी मंत्री परिषद के सिफारिश में नवम गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में चाय पान कार्यक्रम असल चाल चलन भक कैद के सजा छोटियाब योग्य रहल आ उपयुक्त देखल गेल 887 कैदी के भुगतान होबा बाकी कैद के सजा नेपाल के संविधान के धारा 276 बमोजिम माफी कैलन। राष्ट्रपति कार्यालय के सहायक प्रवक्ता ध्रुवराज आचार्य शुक्र के जारी कैने प्रेस विज्ञप्ति में एहि विषय में जानकारी देल गेल। सरकार योजना आयोग स्रोत समिति देने सीमा नाइक जम्मो बजेट आन लागल। चालू आर्थिक वर्ष के बजेट खर्च कर नै सकल समय सब दिस रकम छिट जगह कैल गेल सीमा से सवा एक खरब बेसी के बजेट अर्थमंत्री विष्णु पौडेल आई सार्वजनिक कर रहा है। ई रकम चालू आर्थिक वर्ष के बजेट से 2 खरब रुपया बेसी है। चालू आर्थिक वर्ष के लिए 8 खरब 19 अरब बजेट विनियोजन कैल गेल छल। स्रोत समिति आगामी वर्ष के लिए 9 खरब 9 अरब सीमा देल गेल छल। अत्यंत गोप्य राखल गेल बजेट के आकार 10 खरब 45 अरब रुपया कट के अर्थ स्रोत के कहबे। बजेट में अखनो छलफल भ रहा है। शुक्र के रात अबेर धर बजेट निर्माण में संलग्न एक अधिकारी कहलन 10.5 खरब नजदीक पहुंचत देखल गेल। नाकाबंदी हुई तो पछला समय राजस्व में उल्लेख के वृद्धि भेला से सरकार अत्यंत पैघ आकार के बजेट आन लागल। अर्थ मंत्रालय आगामी वर्ष करीब 5.5 खरब उठ के अनुमान कने वर्ष खर्च नहीं भक करीब 60 अरब रुपया बचे के अनुमान सरकार के। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा सहित के संघीय गठबंधन सरकार द्वारा औपचारिक पत्र पठाओल गेल त वार्ता में बैसब संकेत दिलक। गठबंधन में आबद्ध दल के नेता सबक शुक्र दिन बैसल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के कार्यालय में बैसल बैसार से वार्ता में बैसक के संकेत देने बैसार से मोर्चा के नाम में लिखल गेल पत्र के आधार में वार्ता में नहीं जाके निर्णय सहित वार्ता के लेल गठबंधन के नाम में पत्र आव के शर्त रखने। सरकार गठबंधन के नाम में पठावे वाला पत्र के आधार में वार्ता के बारे में ठोस निर्णय लेब बैसार में सहभागी नेता से बतौने। गठबंधन के प्रवक्ता परशुराम तमांग वार्ता के लिए सरकार अखन धरि गठबंधन के पत्राचार नहीं केने आ पत्राचार केने अवस्था में गठबंधन एहि विषय में आवश्यक निर्णय लेत बतौलन। गठबंधन के बैसार से काठमांडू केन्द्रित आंदोलन पहाड़े आ मधेसी समुदाय बीच के असमझदारी कम के निष्कर्ष सहित जेठ 17 गते के बाद आंदोलन के देशव्यापी रूप में विस्तार कर के निर्णय कलक। बैसार से केंद्र प्रदेश आ जिला तह में रिले अनशन आ अन्य कार्यक्रम कर के तथा वही के लिए प्रदेश आ जिला स्तर में आंदोलन परिचालन समिति गठन कर के निर्णय से होने। प्रवक्ता तमांग जेठ 17 गते पोखरा में हो वाला सभा मार्फत दोसर चरण के आंदोलन के कार्यक्रम सब सार्वजनिक कैल जात बतौलन। दोसर चरण के आंदोलन के कार्यक्रम सड़क अवरोध कर के जेहन नहीं हाथ बरू विभिन्न राजनीतिक दल उद्योगी व्यवसायी या विभिन्न पेशा कर्मी सब संग संवाद कर जेहन रहत गठबंधन के नेता सब बतौने। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव संविधान के संशोधन से 90% समस्या समाधान भेल दावी कने छथि। गणतंत्र दिवस के अवसर में धनुषा के बक्सौड़ा स्थित उच्च महाविहार के छात्र छात्रा संग संवाद कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर यादव कानून संशोधन भ कला के बाद संविधान में कैल गेल संशोधन से 90% समस्या समाधान हैत आ बाकी
समस्या सेहो वार्ता संवादे से समाधान हैत विश्वास व्यक्त कयने छथि। जनता के प्रतिनिधि अपने संविधान बनला के बाद देश में अखनो राजनीतिक अस्थिरता रहल प्रति चिंता व्यक्त करैत पूर्व राष्ट्रपति यादव संविधान निर्माण आगू सेहो अपने अभिभावक के भूमिका में वार्ता से निकास खोज दबाव दैत आयल स्मरण करौलन। छात्र छात्रा नेपाली सेना नेपाली प्रहरी में मधेसी के प्रवेश संविधान बनला के बाद मधेस के समस्या समाधान होबर नहीं सकल कारण बारे जिज्ञासा रखने छल। कार्यक्रम में कक्षा 8 से लेकर 10 धरि पढ़े वाला छात्र छात्रा दहेज प्रथा बेटा सोरा बेटी के पढ़ नहीं दिल गेल महिला हिंसा सहित 2 दर्जन से बेसी सवाल सबके जवाब मांगने छल। रामभरोस कापड़ की अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में ओहि क्षेत्रक सांसद सहित नागरिक समाज अभिभावक आ बुद्धिजीवी सबके उपस्थिति रहल छल। कार्यक्रम के पूर्व राष्ट्रपति यादव संगे धनसा क्षेत्र नंबर 2 के सांसद रामकृष्ण यादव राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनाल राष्ट्रपति के पूर्व सलाहकार राजेंद्र दहाल विजय कुशियत लगायत के वक्ता सबसे सम्मेलन कयने छलथ। ओहि अवसर में पूर्व राष्ट्रपति यादव विद्यालय में निर्माण हो वाला नया भवन के शिलान्यास सेहो कयने छथि। भवन के निर्माण के लेल जिला शिक्षा कार्यालय धनसा 32 लाख बजट छुट्टियों ने व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष रामभरोस कापेट जनतब देने छथि। प्रहरी व्यापारी के सार्वजनिक स्थान में दुर्व्यवहार के आरोप में उद्योग वाणिज्य संघ शुक्रदिन मलंगवा बाजार बंद करौलक। गणतंत्र दिवस के अवसर में भिनसर नगर सरसफाई में पहुंचल प्रहरी व्यापारी पर दुर्व्यवहार कयने छल। बाल मंदिर चौक नजदीक सफाई करा पहुंचल प्रहरी स्थानीय व्यापारी संघ सहयोग मांग के क्रम में कहा कही भेल छल। प्रहरी उपरीक्षक केदार ढकाल व्यापारी के अपशब्द प्रयोग कऽ कऽ गारि पड़ैत नाला में धकेल चाहला के बाद विरोध में बाजार बंद कयल गेल। उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष हरिशंकर प्रसाद साहब बतौने छथि जिम्मेवार प्रहरी प्रमुख एहन अभद्र व्यवहार केनाइ अत्यंत दुखद अछि। ओ कहलन मन बुझल जोगरक माफी नहीं मांगत तऽ शनि दिन सँ कड़ा आंदोलन में जायब। जिला भरि आ केन्द्र में सेहो आंदोलन में सहयोग मांगब। ओ सरसफाई में सहयोग मांगब अत्यंत निचला स्तर के शब्द प्रयोग कयल गेला सँ व्यापारी सबके मन दुखल बतौलन। धनुषा के रघुनाथपुर पोरताहा में सड़क खंड में एक ट्रैक्टर उनटला के बाद एक चालक के मृत्यु भेल अछि। रघुनाथपुर पोरताहा सड़क खंड अंतर्गत ढोल बज्जा में नहर पार करैत काल अनियंत्रित भ कऽ ट्रैक्टर उनटला के बाद सिरहा माडर रहनिहार 18 वर्षक रवीन महरा के मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जनौलक अछि चालक महरा के मृत शरीर पोस्टमार्टम के लेल जनकपुर अंचल अस्पताल में राखल गेल अछि। प्रहरी शुक्रदिन बेरिया में J1T6774 नंबर के ट्रैक्टर दुर्घटना भेल जनौलक अछि। महतारी के बहरी फुलगम्मा में सांप के कटला के बाद एक बालक के मृत्यु भेल अछि। महतारी के बहरी फुलगम्मा वार्ड नंबर 7 रनियार गणेश महतो के 7 वर्षक बेटा के इलाजक लेल भर्ना करबैत काल मृत्यु भेल। जनकपुर अस्पताल सोच जनौलक अछि अपने घर आगू खेल रहल अवस्था में बेरिया में 2:15 बजे करैत सांप कटने महतो के इलाजक लेल अस्पताल भर्ना कराओल गेल। किछुए बेर में 3:30 बजे अस्पताल में मृत्यु भेल छल। एकटा बेटा एकटा बेटी रहल गणेश महतो के सांप कटने किछुए बेर में अस्पताल अन्य जनौने छल। निर्धारित मूल्य सँ 600 रुपया बेसी लऽ कऽ गैस सिलेंडर बिक्री केने आरोप में जनकपुरक कैंपस चौक सँ एक गोटे व्यवसायी पकड़ाओ पड़ल अछि। जनकपुरक कैंपस चौक स्थित अमन ट्रेडर्स के संचालक संजय कर्ण 1400 रुपया पड़े वाला गैस सिलेंडर 2000 रुपया में बेचने आरोप में रकम आ सिलेंडर सहित पकड़ाओ पड़ल अछि। भिनसर गैस सिलेंडर लेबऽ गेल करारावा कैंपस में अध्ययनरत छात्र सब सँ 2000 रकम लेला के बाद छात्र सब के उपरा के आधार में प्रहरी कर्ण के पकड़ाओ केने जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जनौलक अछि। प्रहरी नायब परीक्षक नकुल पोखरेल कर्ण के बारे में अनुसंधान भ रहल आ कालाबाजारी एन अंतर्गत मुद्दा दर्ज करायब जनौने अछि। नेपाली कांग्रेसक भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर व्यंग प्रहार करैत प्रदर्शन के निरन्तरता देलक अछि। 4 दिन पहिने प्रधानमंत्री निवास परबाट आगू प्रदर्शन केने नेपाल विद्यार्थी संघ के काठमाडौँ जिला कार्य समिति शुक्रदिन रत्न पार्क में कागज के पानी जहाज सहित प्रधानमंत्री ओली पर व्यंग प्रहार केलक अछि। नेवी संघक नेता सब एक गोटे कार्यकर्ता के ओली के भेष में उतारि कऽ नेपाली झंडा सहित के कागज के पानी जहाज चलौने अछि। ओली एक्सप्रेस नाम देल गेल कागज के पानी जहाज पानी में नहीं भक सड़क में चलाओल गेल छल। प्रधानमंत्री ओली घर घर में पाइपलाइन मार्फत गैस बाट के अपने पानी जहाज चलाव के रेल चलाव के लगायत के अभिव्यक्ति देने मुदा कालाबाजारी नियंत्रण करत साइक नहीं देखौने कहत नेवी संघ प्रदर्शन करैत आयल अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसक सांसद सह प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के भूखा वाला कुकुर संग तुलना कयलनि अछि। प्रस्ताविका संसद के शुक्रदिन बैसल बैसार में कांग्रेसक सांसद जगदीश नरसिंह केसी पाइपलाइन से घर घर में गैस बाट के हवा से बिजली निकाल के पानी जहाज चलाव के लगात के भाषण क्रम में समय बर्बाद केने कहत प्रधानमंत्री ओली के भूखा वाला कुकुर संग तुलना कयलन अछि। ओ भूखा वाला कुकुर कहियो नहीं कटैत अछि आ काटे वाला कुकुर कहियो नहीं भूकैत अछि से भाषण से बेसी काज क के देखावा प्रधानमंत्री ओली के ध्यान आकर्षण करने छथि। ओ अपने जिला नुआकोट में लगत संकलन के क्रम में बेसी भूकंप पीड़ित सब के नाम छूटल कहते नाम सब भूकंप प्रभावित सबके घर निर्माण के लिए तत्काल 2 लाख रुपया उपलब्ध कराबा
मांग के अनुसार बैसार में सत्तारूढ़ नेकपा एमालेक सांसद सब सेहो वर्षा शुरू होबय लगला से भूकंप प्रभावित सबके घर बनाबे लेल अनुदान रकम नहीं देल गेल कहैत असंतोष प्रकट कयने छलथ। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जापान के हिरोशिमा शहर के भ्रमण कयने छथि। ओबामा दोसर विश्व युद्ध के क्रम में अमेरिका के परमाणु आक्रमण के कारण ध्वस्त भेल हिरोशिमा के औपचारिक भ्रमण करय वाला पहिल अमेरिकी राष्ट्रपति छथि। सन 1945 के अगस्त 6 में हिरोशिमा में दूटा परमाणु आक्रमण भेल छल। ओहि आक्रमण के केओ कतौ सँ झापतोप कर या बिसरन नहीं सक के ओबामा के कहबै छ, मुदा आक्रमण के लेल माफी नहीं मांगब ओ बतौलन। ओबामा ओहि क्रम में परमाणु आक्रमण से बचत सफल भेल दू गोटे से भेट सेहो कयने छलथ। ओ विश्व परमाणु हथियार बिना सुरक्षित रहल कहैत ओहि के लेल एक होबय सब देश संग आग्रह कयने छथि। हिरोशिमा में भेल परमाणु आक्रमण में पड़ि के कमती में 140,000 गोटे के मृत्यु भेल छल। ओकर तीन दिन के बाद नागासाकी में भेल दोसर आक्रमण में 74,000 के मृत्यु भेल छल। जापान के औपचारिक भ्रमण में रहल ओबामा जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे संग हिरोशिमा पहुंचल छलथ। अपन ही सखन के लिए लतवे पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टीवी। नमस्कार।